साथी अब खाना खानु लागेको हो मामहरू छ यस्तो त्यो चाहिँ देसी कुखुराको झोल अनि यहाँ चाहिँ खोर्सानी देखाउनु लागि एक्चुली चाहिँ मैले यो दुइटै खोर्सानी भएनको एउटा डल्ले खोर्सानी एउटा चाहिँ जिरे खोर्सानी सानो कस्तो चाहिँ हुन्छ होला यहाँ यत्रै छ तर भयङ्कर ठाडो परिरहेको हुन्छ माम माथिपट्टि हल्का अब खाइकिन बाटो लाग्नुपर्ने दोस्तों अभी मैं ये गुरुखान से जा रहा हूँ आज जाते वक्त मैं मोटो राइड ब्लॉग ही दिखाऊंगा आप लोग को और यहाँ पे रुका था ये मेरा भाई है हेलो बंदे हेलो ये मेरा भाई है आज यहाँ से जा रहा हूँ सुबह से नहीं रात से काफ़ी बारिश हुआ है यहाँ पे और अभी थोड़ा सा बारिश थम गया क्योंकि मैं बाइक में हूँ देखते हैं आगे क्या होता है रास्ते में जो भी कुछ होगा मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा और भगवान से दुआ करता हूँ कि बारिश ना आए रास्ते में नहीं तो मैं काफ़ी भीग जाऊँगा चलो चलते दोस्तों आजकल वॉकिंग ऐसे शुरू होता है अभी चलो भगवान जी का नाम लेके चलते हैं रास्ते में सही सलामत पहुँचे रास्ते सही सलामत जाए और घर सही सलामत पहुँचे ल भाई बोला ल चलो जय श्री राम छोटा सा पॉप डंडी है इसी टाइप का यहाँ पे गांव के रास्ते इसी टाइप का होता निकल रहा हूँ दोस्तों ये स्कूल है छोटा सा मुंशी लाइन अपर फागू का और ये रास्ता पहले काफ़ी ख़राब था अभी अच्छा किया हुआ है लेकिन बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब अभी तो नहीं है देखते कई पे ऐसा हो जाता है ना यहाँ पे बारिश हो रहा है और नीचे नहीं इस टाइप का भी होता है कभी नीचे बारिश होता है यहाँ पे नहीं उसी आस में मैं चल रहा हूँ कि ठीक ही होगा बोल के दो दिन तक यहाँ पे रुका काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारे ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाया मैंने ये देखिए नीचे कैसे खुल रहा यहाँ पे गाँववासियों ने 2 अक्टूबर को साफ सफाई किया था ये देखिए काफ़ी साफ सफाई हो गया जगह रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ तक ऑफ रूट ही है वहाँ तक जाने के बाद में फिर मेन रास्ता निकलते हैं तो अच्छी तरह से जा पाएंगे मैंने एक चीज़ बहुत ही गलत किया कि मैं रेनकोट लेके नहीं आया इतना भयंकर धूप था आते वक्त सोचा कि धूप यहाँ पे बारिश नहीं होगा लेकिन क्या करें ये देखिए रास्ता को देखिए रास्ता बड़ा ख़तरनाक बारिश की सीज़न में हिल साइड में प्रायः रास्ते वगैरह इसी तरीके से ख़राब हो जाता है फिर अगला चुनाव में इलेक्शन लेके फिर आदमी ठीक कर तो देते हैं लेकिन ठीक से ठीक करने से ऐसे नहीं होना था पानी जाने का रास्ता वगैरह भी करना था तो ठीक होना था देखिए रास्ता बहुत ही जर्जर अवस्था में और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों आ ही जाएगा यहाँ का आदमी सारे चाय की बागों में काम करता है क्योंकि ये चाय बगीचा ही है पूरा कॉमन बोलता है जो इस टाइप से आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों और रास्ते में बारिश ना हो भगवान से ये दुआ है बारिश ना हो तो मैं बिना भीगे हुए सही सलामत घर पहुंच सकूं नहीं तो भीगना पड़ेगा दोस्तों ऊपर पहाड़ियों में देखिए कैसा करके धुंध आगे बढ़ रहा है दोस्तों और यहाँ पे जब तक मैं मेन रास्ता नहीं निकलूँगा रास्ता ऐसे ही मिलेगा मुझे पता है दोस्तों
रास्ता इसी टाइप का ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है नीचे नीचे का वादिया। ये वादिया ये फिजा ये बुला रही है हमें। थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी तो यहीं पे शुरू हो गया, साले ठीक से डाउन भी नहीं हुआ मैं। क्या बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी मुझ पर कुछ रहम कीजिए और घर तक बिना भीगे हुए पहुंचा दीजिए। इस टाइप का बूंदा बूंदी होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जोर से बारिश नहीं होना चाहिए ताकि मैं लेट हो जाऊँ। और मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ का हाथ में टाइटेनिक बोल के काफ़ी फेमस है। और यहाँ से जाएंगे ब्रिज, काफ़ी सुंदर लगता है। और यहीं से आप लोग इस तरफ को देख सकते हैं। अच्छा इस तरफ गाड़ी आ रहा है, यहाँ पे मुक्ति से सीन देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए नदी वगैरह, कल हम लोग ने इसी नदी पे नहाए थे, काफ़ी मज़ा आया था। ओ लेकिन आगे की ओर अभी चलते बनेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं एक छोटा सा झरना बना हुआ है। ये रेनिंग सीजन में इसी टाइप का झरना वगैरह दिखाई देता है बारिश के टाइम में। ये काफ़ी सुंदर लगता है बाहर का आदमी को, लेकिन यहाँ का आदमी के लिए आम बात है। इस टाइप का काफ़ी जगह जगह देखने को मिलेगा। यहीं से अभी हम लोग मेन रोड में उठ गए दोस्तों। ये अभी मेन रोड मेरे पीछे की साइड में लाभा की ओर जाता है और यहाँ से हम चलेंगे सिलगुड़ी की ओर। सामने है गुरबथान और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे दोस्तों। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत हरियाली दिखाई दे रहा है। और यहाँ से दामदिम 12 किलोमीटर बोल के लिखा हुआ था पानी डाणा में। और देखिए हरियाली मोटर ब्लॉक में तो इसी टाइप का ही दिखाई देता है दोस्तों। एडवेंचर तो उतना है नहीं, लेकिन रास्ते की काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये अभी तक भगवान की दया से बारिश उतना हुआ ही नहीं। अभी मैं इतना अंधकार में भी आज निकल गया क्योंकि आज घर को पहुंचना जरूरी था। काफ़ी दिनों से ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ था लेकिन उसको अपलोड कर नहीं पा रहा था क्योंकि वहीं पे नेट भी अच्छा नहीं चलता है, वाईफाई का तो वहाँ कोई नाम निशानी नहीं है। इसीलिए आज घर पहुँच गया ताकि डाल सकूँ वीडियो वगैरह। काफ़ी दिन हो गया कि आप यूट्यूब में कुछ आ ही नहीं रहा, अपने सब्सक्राइबरों को मैं दे नहीं पा रहा था, यही वजह था। दोस्तों ये मेरा यूनिट है पुराना, अंदर जाके बातचीत करके आया। और बातचीत भी इसलिए कि मेरा एक पार्ट हुआ नहीं हुआ, उसका पैसा नहीं आया था, उसके बारे में बातचीत किया। और बंदों से मिला, वैसे तो सब नए बंदे हैं लेकिन मिला, काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी इज्जत किया। और अभी चलते हैं दामदिम आने वाला दोस्तों। ये दोस्तों दामदिम बखी महारानी जाइए। और अभी आगे बढ़ रहा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे फिर से मैंने कैमरा ओपन कर दिया है क्योंकि ये फ्लाईओवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे मैं जब यहाँ पे पोस्टिंग था उस टाइम ये फ्लाईओवर तैयार नहीं हुआ था, काफ़ी यहाँ पे भीड़ भरा था, धूल धाल होता था। आज कितना सुंदर फ्लाईओवर हमें चलने को मिल रहा है। ये फ्लाईओवर को मैं यादगारी था, रात भर तक यहाँ पे काम चलता था हमारा। फौज का काफ़ी तार वगैरह कट होता था तो हम लोग यहाँ पे रात भर, कितना रात 2 बजे 3 बजे तक भी हम लोग भी यहाँ पे काम किए हुए थे जब ये फ्लाईओवर तैयार हो रहा था। तो देखिए आज फ्लाईओवर कितना सुंदर लग रहा है।
देखिए ये ब्रिज कंप्लीट होने वाला है, जैसे कंप्लीट होगा ऊपर रास्ता भी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ फौज का कान भाई भी आ रहा है दोस्तों, काफ़ी गाड़ी फौजी गाड़ी आ रहा है। ये ट्रक रॉन्ग साइड में चल रहा है, मेरा ही यूनिट का गाड़ी वगैरह है। बाप रे, हम लोग इसका नंबर देके पहचान लेते दोस्तों। क्लास में रिकवरी पानी का गाड़ी वगैरह चलता है। देखिए दोस्तों, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये मीना मोड़ है। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे एक अच्छा सा एक हब बन चुका है, ब्रेकफास्ट पॉइंट। यहाँ का लच्छेदार परोठा काफ़ी फेमस है। कुछ नहीं था दोस्तों यहाँ पे, छोटा मोटा जो भी था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है। इस साइड में बाकरकोट नाम तो सुना होगा, जाने का रास्ता है। आगे बढ़ रहा है दोस्तों, मैं तो ऑलरेडी खा पी के आया हूँ, इसीलिए मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं। मुझे खुशबू भी आ रहा है लच्छा परोठे का। मौसम सुहाना है, भगवान की दया से अभी तक बारिश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन कभी भी बारिश हो सकता है रास्ते में। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फौज का कान भाई रास्ते में काफ़ी निकल गया, अभी भी आ ही रहा है। और ये मेरा ही यूनिट का गाड़ी है, कौन सा यूनिट है क्या मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और ये जगह इस साइड में दोस्तों, इस साइड में आर्टी का फायरिंग वगैरह होता, बुपुस वगैरह काफ़ी फायरिंग होता है यहाँ पे। ये फायरिंग जोन है और बहुत दूर दूर तक इस इलाका नदी के किनारे खाली है, इसलिए वहाँ पर फायरिंग वगैरह भी चलता है। और जितना भी गाड़ी जा रहा है यहाँ से, कोई सैमसंग का, कोई जयगांव का गाड़ी वगैरह कंटिन्यू में चल रहा है। ये जो सफ़ेद गाड़ी दिखाई दे रहा है बस, ये जयगांव यानी कि भूटान से आ रहा है ये बस। काफ़ी सुहाना दिन हो गया, जाते वक्त खाली था रास्ता और धूप था काफ़ी, लेकिन अभी आते वक्त धूप नहीं है, एकदम सुहाना टाइप का दिन हो रहा है। सारे गाड़ियाँ अपने अपने लाइन में चल रहा है और हम भी बड़े चल रहे हैं दोस्तों। देखिए सामने जंगली जंगल आना शुरू हो गया, अभी काफ़ी सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ पर। खाली रोड भी एकदम चौड़ा है तो खाली, और काफ़ी स्पीड में होता है यहाँ पर गाड़ी वगैरह, देख के चलाना पड़ता है दोस्तों एकदम ही संभाल के। देखिए यहाँ पे स्किड हो सकता है बाइक वगैरह, एकदम ही संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश अभी अभी हुआ है यहाँ पे, थमसा गया है। लेकिन ये आ गया टाइगर ब्रिज, टाइगर ब्रिज यहाँ भी टाइगर खड़ा है, दो दो। OMG, वाओ, फोटो सेशन चल रहा है दोस्तों का। ये है टाइगर ब्रिज, जो एक दूसरे को साथ जोड़ लेता है। कोरोनेशन ब्रिज इसका भी ऐतिहासिक ब्रिज है, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ ये। और अभी हम इस भेक में जाएंगे। मैं ये रास्ता अक्सर चलता रहता हूँ, लेकिन कभी भी ये जगह को मैंने उजागर नहीं किया, आप लोगों को नहीं दिखाया हुआ है। आज मैं शिव जी का मंदिर आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए गाड़ी को क्या हो गया, और वहाँ पे आप देख रहे हैं काली माँ मंदिर है, और ये काली का मंदिर है, काफ़ी विख्यात मंदिर। और यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, जय शंभू भोले बाबा। देखता हूँ ऊपर में जाके आप लोग को आज यही दिखाता हूँ मैं, काफ़ी हाइट में है और बंदर ही बंदर जो इस साइड में ठीक है। और भोलेनाथ का भी दर्शन करवा दे देते, जय शंभू हर हर महादेव। मैं क्या है कि
मंदिरों में टीका वगैरह नहीं लगा सकता एक साल तक हमारा ये हुआ, फिर भी आप लोगों के लिए आया हूँ। यहाँ पे भक्तजन आके पूजा पाठ करता है, अपना मुरादे मांगता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ऊपर में मन्नत मांग मांग के सभी ने इस टाइप का ये बांधता है सारी जगह में। देखिए ये पूरा जगह में मन्नतें मांगता है भोलेनाथ को, और भोलेनाथ उन सब का मन्नतें भी पूरा कर देते हैं दोस्तों। पंडित जी महाराज भी है यहाँ पे, राधे राधे पंडित जी महाराज, जय श्री शंभू। दोस्तों कैसा लगा मंदिर? ये शिव जी का मंदिर काफ़ी हाइट में, इस साइड में काली जी का मंदिर, ये शिव मंदिर है, मैं काफ़ी हाइट में पूछ के आप लोग यहाँ तक दिखाया। आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे साफ करने जा रहा हूँ दोस्तों, बाकी तो रास्ता रास्ता ये जो मैंने आते वक्त आप लोग को दिखाया था, लेकिन जाते वक्त यहीं पर मैं अपना ब्लॉग को विराम देना चाहता हूँ दोस्तों। अपने से बड़े को इज्जत और छोटे को प्यार के साथ में आज का ब्लॉग को साफ करने जा रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।